नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हूं आप मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत कबूलपुर में। और यहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार भगवान दास के मकान की खुदाई का कार्य चल रहा था, भर्त का कार्य चल रहा था। इसी बीच रविवार देर शाम ये प्रतिमा जो आप दिखाई दे रही है ये यहाँ निकली है, तभी से पूजा अर्चना जारी है। साथ ही साथ आज यानी कि सोमवार को पुरातत्व विभाग की टीम भी पहुंची है और इस प्रतिमा का उन्होंने देखा है। देखकर उन्होंने बताया है कि ये 1820 सदी की प्रतिमा है और ये है उमा माहेश्वरी की प्रतिमा है, यानी शिव और पार्वती की प्रतिमा है, जिस पर आप यहाँ ग्रामीणों के द्वारा देखा जा रहा है किस प्रकार पूजा अर्चना जारी है। और ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनाएंगे और यहीं इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। ये कितने अंदर से निकाली है लोगों ने? ये तो इन्हें 5 फुट बता रहे हैं निकाली। 5 फुट? तो ये ऐसी सामान्य जगहों पर मिल जाती है मूर्तियाँ या फिर तो पहले पानी का सोर्स होगा ना, तालाब है या कोई जो वैसे नहीं होती सीजनल ड्रेन छोटी नदी टाइप। हाँ, वहाँ उसमें उसकी समय रखी होगी, कपड़े वपड़े धोने के लिए लोगों ने इस्तेमाल किए तो वहाँ से इनको मिल गई, मिलने जाती है ऐसी जगह, मतलब मिल गई इन्होंने निकाल लिया। ये मतलब कुल मिलाकर ये सामान्य खेती होती है यहाँ तो ऐसी जगह पर ये जब खेती तो जब बाद में बन गई ना। अच्छा, पहले तो जब पानी था ना यहाँ पे 300-400 साल पहले पानी रहा होगा। 300-400 साल पहले थोड़ी मूर्ति पुरानी है, जब पानी का कपड़े धोने के लिए लोग अभी इस्तेमाल करते होंगे 10-50 साल पहले। पहले तो मूर्ति बन के कपड़े धोने के लिए तो कभी आती नहीं, मूर्ति तो आएगी पूजा करने की। तो ये कहीं ना कहीं स्थापित रही होगी, इस कारण से लोगों ने हटा दी, मंदिर टूट गया, डिमोलिश हो गया और डली हुई किसी को मिल गई, उनने उठा के यहाँ रख ली, यहाँ के लिए नहीं आई। तो ऐसी मूर्ति कितनी मिलती है क्षेत्र में कुछ? और यहाँ जगनेर में भी कुछ समय पहले मिली थी, तो इसी से जुड़ी हुई थी क्या? इससे जुड़ी हुई थी ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा कोई तो एविडेंस है नहीं कि वो जगनेर वाली मूर्ति तो आर्कोलॉजिकल साइट है ना। आगरा ग्वालियर रोड स्थित ताजनगरी आगरा के गांव कबूलपुर में सोमवार दोपहर को पुरातत्व विभाग की टीम पहुंची और उन्होंने प्रतिमा का देखिए किस प्रकार निरीक्षण किया है। और उन्होंने ग्रामीणों को बताया है कि यह प्रतिमा नदी नालों के किनारे मिल जाती हैं, साथ ही साथ ज़मीन में भी मिल जाती हैं। यहाँ पहले कोई नदी रही होगी जिसके किनारे यह प्रतिमा पाई जा रही है और यह प्रतिमा लगभग 1800 ईस्वी की है, यानी आज से 400 वर्ष पुरानी प्रतिमा बताई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ग्रामीण भी देखिए किस प्रकार प्रतिमा की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि यहाँ एक सुंदर और अच्छा यहाँ एक मंदिर बनाया जाएगा। आप देख रहे हो सुबह से ही यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। तो जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर, आज उनके यहाँ किस प्रकार की टीम पहुँची और ग्रामीण क्या सोच रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। नवल सिंह, तो कौन सा गांव है? कबूलपुर। अच्छा जी, प्रतिमा निकली जी, किसकी बताई गई है? कोई आया था यहाँ पे? हाँ, वो आए हो? दे आए तो आएगा, सरकारी चाहिए, सरकारी चाहिए। क्या बता गए वो आपको? 300 साल पुरानी बताई, 18वीं सदी की पुरानी है। 300 साल पुरानी बताई है? कौन की मूर्ति है ये? इनकी मूर्ति है? अजय भाई, उमा पार्वती, भोले बाबा पार्वती की। हाँ, तो क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की द्वारा? क्या बता, सरकार देखेगी जब बता पाएगी जब होगा, मंदिर ही बनाएगा, मंदिर बनवाएंगे। आप लोग क्या करने वाले हो? मंदिर ही कह रहे हैं, मंदिर ही कह रहे हैं। क्या मामला है यहाँ पे आज? सर मामला यही है कि यहाँ पे खुदाई हो रही थी जेसीबी से, तो अचानक ही खुदाई में मूर्ति निकल आई। क्या हुआ? तो उसको पानी से धोया, जब पता चला कि उमा पार्वती की मूर्ति है। किसने बताया? ये अधिकारी आए हुए थे, कुछ पंडित भी आए थे यहाँ पे, तो काफी लोगों ने जानकारी करने के बाद उन्होंने ये नाम दिया। अधिकारियों ने क्या बताया? अधिकारियों ने ये बताया कि मूर्ति जो भी है 300 साल की है, पुरानी है, तो आप रखो और अच्छी मतलब वो करेंगे, करो प्रोग्राम। किसकी बताइए जी? ये पार्वती और भोलेनाथ की वो है मूर्ति। नाम है आपका? पप्पू सिंह। ये कौन सा गांव है? ये कबूलपुर। सिंह, क्या मामला है? ये मामला जी, हम यहाँ पर खेतों में मकान बना रहे थे, तो मकान बनाने के बाद भर्त के लिए हो गई, तो 2 लाख पैसे ज्यादा जा रहे थे, तो मैंने कहा अपने खेतों में से भर्त करा दी मैं, तो उसमें हमें फायदा हो जाएगी। तो क्या हुआ? तो मैंने जेबी से अपना भर्त करा रहे थे। तो क्या हुआ? तो उसमें गड्ढे ज्यादा हुए थे, ट्रैक्टर भी चले, जेबी सी चली। तो हुआ क्या? तो हुआ ये कि जेबी सी हम गड्ढा अपना वो करा रहे थे, एक सा खेत, तो बताइए उसमें एक पत्थर सा निकला पहले लंबर। तो
क्या हुआ? अमन जानी के ये पत्थर बहुत भारी है और ऐसा कैसा निकला, तो मैंने भी साफ करके देखा तो इसमें मूर्ति सी दिखी है मैंने। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ एक भव्य मंदिर बनाएंगे और यहीं इस प्रतिमा को स्थापित करेंगे। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।